गाँव में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहाँ आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष की खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु देखते हुए उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता था, ये पक्षी कितने दयालु है। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली ने अपने ऊपर से काबू खो दिया और उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है, तो वह वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है, तो वे गुस्से से भर गए। उन सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इससे हमें सीख मिलती है, कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो।